हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉइड ट्रॉक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस फ्रेश वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ 5 बेस्ट अमेजिंग MIUI थीम्स। इस वीडियो में एक से बढ़कर एक आप सभी के लिए थीम सिलेक्ट किया है जो आपको पसंद जरूर आएगा। अगर आपके MI स्मार्टफोन की फीचर्स को और ऑसम बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ यूनिक थीम यूज करना चाहते हैं आपके MI स्मार्टफोन में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं एक मिनिमल MIUI थीम से जिसका नाम है एमुलेट कलर V11। ये एक मिनिमल MIUI थीम है जो आपकी MI स्मार्टफोन की फीचर्स को मिनिमल एंड क्लीन लुक प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा एक मिनिमल वॉलपेपर। साथ ही साथ होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा टॉप में न्यू स्टाइल विजेट और गूगल सर्च बार भी है मिडिल में देख सकते हैं। अगर आइकन्स की बात करें तो आइकन्स देख सकते हैं कलरफुल देखने को मिलता है, थोड़ा सा फैंसी स्टाइल में है सभी आइकन्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस थीम का नोटिफिकेशन पहले मेरे फोन में सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मेरा फोन जो है अभी लेटेस्ट वर्जन MI 12 में नहीं है। और इस थीम का लॉक स्क्रीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप राइट साइड से स्वाइप करेंगे ना तो यहाँ पे क्विक ऐप शॉर्टकट देखने को मिलेगा जहाँ से आपकी फेवरेट एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो आप इस सेटिंग में क्लिक करके जो भी आप ऐप कस्टमाइज करना चाहते हैं यहाँ से आप अलग अलग ऐप को भी यहाँ पर लॉक स्क्रीन में रख सकते हैं, जो कि और भी अच्छा फीचर दिया गया है। और एक चीज इस थीम में है बबल चार्जिंग एनिमेशन, यानी कि अगर आप चार्ज करेंगे ना आपके MI फोन को तो यहाँ पर आपको बबल एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा एंड ब्यूटीफुल लगता है। सो काफी अच्छा थीम है जो आपको MI फोन में इंस्टॉल करके देखना चाहिए। आई होप ये थीम आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर हो सके तो इन सभी थीम्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थीम की तरफ। नंबर 2, कलर पियानो। ये जो थीम है ना एक कलरफुल थीम है। इस थीम के बैकग्राउंड में एक वॉलपेपर देखने को मिलता है जिसके साइड साइड में आप देख सकते हैं रंग बिरंगे कलरफुल डिजाइन है, जिसके वजह से ये थीम होम स्क्रीन में काफी अच्छा देखने में लगता है। सभी आइकन्स देख सकते हैं आपको नियोन कलर में देखने को मिलेगा, एक यूनिक डिजाइन देखने को मिलेगा सभी आइकन्स में, जो कि मुझे काफी पसंद आया है। और इस थीम का नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कि और भी अच्छा डिजाइन किया गया है। इसका नोटिफिकेशन पैनल आप देख ही सकते हैं। और एक खास एंड यूनिक फीचर तो बोलना भूल ही गया जिसकी वजह से मैंने ये थीम सिलेक्ट की है आप सभी के लिए। तो लॉक स्क्रीन में आपको एक कलरफुल पियानो देखने को मिलेगा फ्री टाइम में, या फिर अगर आपको फोन यूज करते करते बोरिंग लग रहा है तो उस टाइम आप जो है ना इस पियानो को बजा भी सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट आपको सुना देता हूँ किस प्रकार आपको सुनने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको कलरफुल पियानो देखने को मिलता है और साइड साइड में जो कलर है ना ग्लो होते रहता है, चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से ये जो थीम है काफी खतरनाक लगता है और यूनिक भी लगता है यार। तो अब देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से आपको डिजाइन देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो कैसा लगा है आपको ये MIUI थीम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट MIUI थीम की तरफ बनने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि ऐसा वीडियो आप सभी के लिए लाते रहता हूँ मेरे चैनल पर। नंबर 3, पर्पल 3D। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये एक पर्पल कलर का MIUI थीम है, जिसको अप्लाई करने के बाद आपका MI फोन का जो UI है ना कम्प्लीटली पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस थीम का लॉक स्क्रीन से। इस थीम का लॉक स्क्रीन यार काफी अच्छा एंड अमेजिंग देखने में लगता है। आप लॉक स्क्रीन से ही कैमरा, डायलर, मैसेजेस, म्यूजिक प्लेयर ओपन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन में आइकन्स देख सकते हैं कितना बड़े बड़े साइजेस में है और कलरफुल भी है। अगर आपके फोन को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे ना इस लॉक बटन को स्लाइड करके, जो एनिमेशन देखने को मिलता है काफी यूनिक डिजाइन में देखने को मिलता है और एनिमेशन भी काफी अच्छा दिया गया है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। और हाँ, अगर आपके फोन को चार्ज करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस थीम की होम स्क्रीन के बारे में। तो होम स्क्रीन में आपको कस्टम मैट विजेट देखने को मिलेगा, हैंडक्राफ्टेड व्हाइट आइकन्स देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं फोल्डर किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। बाकी कुछ भी इस थीम का खास है नहीं। तो यार आपको एक बार ये थीम जरूर डाउनलोड करके ट्राई करना चाहिए जो कि काफी अच्छा थीम है। आई होप आप सभी को ये मी थीम पसंद जरूर आया है। नंबर 4, लाइंस कलर। ये खास किस्म का MIUI थीम है। यहाँ पे आपको ब्लू एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आइकन्स के साइज देख सकते हैं स्मॉल साइज है एंड नियॉन कलर डिजाइन भी देखने को मिलता है। आप जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ तो आइकन भी कलर डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। एंड सेटिंग जैसे ओपन करेंगे ना तो सेटिंग में आपको ब्लू एंड रेड के वॉल पर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस थीम का सेटिंग एंड होम स्क्रीन देखने को मिलता है। अगर नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ब्लू कलर का हार्ट डिजाइन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप ब्लूटूथ ओपन करते हैं या फिर अगर आप वाईफाई ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये हार्ट डिजाइन देखने को मिलेगा इस वाले थीम में। तो लॉक स्क्रीन इस थीम में काफी इमेजिंग ब्लू एंड रेड कलर का इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो यार कितना मस्त लग रहा है, आपको चारों तरफ आपको रेड एंड ब्लू कलर का डिजाइन देखने को मिलेगा क्योंकि आप देखते हैं इफेक्ट कितना खास है यार। तो लाइंस कलर एक काफी अच्छा थीम है जिसको आप चाहे तो आपके MIUI फोन में यूज करके देख सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर रेड एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इस वाले थीम में। तो ये थीम आपको कैसा लगा है मुझे यार कमेंट करके जरूर बोलो।
नंबर 5 इस लिस्ट का मेरा फेवरेट एंड स्पेशल थीम का नाम है बैटमैन मोड। जरा इस थीम में आपको बैकग्राउंड में बैटमैन को वॉलपेपर देखने को मिलता है। जैसे आप फोन को स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा इस वॉलपेपर का, जो कि आप देख ही सकते हैं। आइकन्स के कलर एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर बैटमैन थीम के हिसाब से आइकन्स को डिजाइन किया गया है, जो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल देखने में लगता है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन की यार, तो यहाँ पे आपको बैटमैन लुक के हिसाब से काफी अच्छा लॉक स्क्रीन दिया गया है, जो कि ऑसम चार्जिंग एनिमेशन प्रोवाइड करता है ये वाला लॉक स्क्रीन। और यहाँ से आप म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक प्ले भी कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। तो कुछ खास होना हो इस थीम का जो लॉक स्क्रीन यार काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटमैन के हिसाब से जो एनिमेशन देखने को मिलता है, चार्जिंग एनिमेशन, एक यूनिक डिजाइन में देखने को मिलता है यार। और आपको भी पसंद आएगा ये वाला थीम, जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आई होप आप सभी को ये MIUI थीम्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करो यार। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।